प्रयागराज में इन दिनों बाढ़ का माहौल है। ऐसा माहौल कि लगभग 10,000 परिवार इस बाढ़ से प्रभावित देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आ रही बाढ़ के पीछे मुख्य जिम्मेदार यहाँ के जोनल अधिकारी संजय, पश्चिमी क्षेत्रों में हुई बारिश एवं पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश को बताते हैं। इस बाढ़ से प्रयागराज के एक दर्जन से अधिक मोहल्ले डूब चुके हैं, जहां पर रहने वाले लोग भारी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। खासकर इन मोहल्लों में रहकर हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र पढ़ाई लिखाई का कार्य करते हैं एवं अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। वहीं इन्हीं मोहल्लों में रहने वाले लोग भी अब बाढ़ राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। प्रयागराज के एक दर्जन मोहल्लों में जहां छोटा बघाड़ा, सलोरी, शुक्ला मार्केट, ढररिया, पाल चौराहा, दारागंज, बख्शी बांध प्रभावित है, तो वहीं गऊ घाट एवं यमुना के किनारे स्थित पुराना शहर भी प्रभावित है। दारागंज में एक व्यक्ति के मकान में घुसे पानी को लेकर उनकी प्रतिक्रिया है कि यह तीसरी बार है जब बाढ़ आई है, लेकिन यह बाढ़ इस वर्ष की सबसे बड़ी बाढ़ होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब घर में पानी घुस गया हो और पूरी तरह हम लोग इसमें बंध चुके हों। बात की जाए इस बाढ़ की, तो इससे न केवल यहाँ के लोग बल्कि जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के जानवरों को अब चरने के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा है, वह एक तरह से घर में कैद होकर रह गए हैं। तो वहीं अब प्रयागराज के प्रमुख पर्यटक स्थल नागवासुकी भी डूब चुका है, जहाँ प्रत्येक दिन शाम को हजारों की संख्या में लोग दीदार करने आते थे। आप लोगों का ये बाढ़ से तीसरी बार घर डूब रहा है, इससे आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? भैया बहुत तरह की समस्या है, हर तरह की। एक तो जो है पानी आ जाता है, सांप वगैरह बड़ी डर हो जाए और पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये तीसरी बार पानी, इस बार तो पानी बहुत तेज आया। ये कितनी देर में आपके घर में पानी पहुँच गया, किस रफ्तार से बढ़ रहा होगा? कछार में पानी था अभी अभी रात में, आज जो है 10 बजे 48 घंटा होगा, 48 घंटे में इतनी तेज पानी कभी नहीं पड़ा। अपना नाम बताइए। बिपिन पांडे। प्रयागराज में ये बाढ़ की क्या स्थिति है, लगातार तीसरी बाढ़ आ रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं इसको लेकर? हाँ, ये तो मतलब जैसे अभी तो हम लोगों को लगा था कि शायद अब नहीं होगा, पर अचानक ही 2 दिन से एकदम से जो हाई अलर्ट हुआ है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बारिश हुई है, उस कहीं ना कहीं उसका असर जो है प्रयागराज में देखने को मिला। जो आगरा की तरफ से जो पानी बढ़ा वो जमुना जी में बढ़ा है, और उधर कानपुर से भी जो छोड़ा गया पानी, और क्योंकि जो पहाड़ों में जो बारिश हुई उसका असर निश्चित प्रयागराज में दिखता है। प्रयागराज के बाद ये पानी बनारस की ओर मूव करता है, तो जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उनके लिए थोड़ा बहुत खतरा तो है, जिस हिसाब से अचानक बढ़ा है, लोग इसके लिए तैयार भी नहीं थे। जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं महाकुंभ की तैयारियां, और संगम क्षेत्र में पुनः काम अपनी रफ्तार पकड़ने लगा था, तो उसमें एक रोकथाम लगी। अचानक से पानी बढ़ने से काफ़ी मशीनरी जो है डूब भी गई और उसको निकाला गया रातों रात। तो इसी प्रकार नगर निगम ने अपनी तैयारियाँ कर रखी है पहले से, हमारे कर्मचारी अभी थोड़ी देर में जो आप जलकुंभी देख रहे हैं इसको निकालने में लगेंगे, और हम इसकी जितनी भी जलकुंभी होती है हम इसको खाद में प्रयोग करते हैं और हम इसको प्लांट में उठा के ले जाएंगे, हम इसे कचरे को नहीं, ये हमारे लिए बहुत लाभकारी भी है। और बाकी मेरी लोगों से है कि पैनिक ना रहें, और जो भगाड़ा के लोग हैं उन्हें तो मालूम ही है कि उन्होंने पानी डूब क्षेत्र में ही अपना घर बनाए हैं, तो वो उसको खुद ही तैयार रहते हैं कि जैसे पानी बढ़ता है तो वो प्रस्थान कर लेते हैं अपने, तो ये यहाँ के लोगों के लिए कोई नहीं है। पर बिल्कुल ये बाढ़ का जो है लोग इसको एक महोत्सव की तरह मनाते हैं। अभी आप देखिएगा शाम होते होते पूरा ना जो बख्शी बांध एक पिकनिक स्पॉट की तरह हो जाता है कि लोग यहाँ लाखों की संख्या में जो है पूरे बख्शी बांध में और पानी को देखने आएंगे, और हम बराबर इसमें सफाई कराएंगे, जैसे पानी उतरेगा दवाओं का छिड़काव होगा, क्योंकि बरसात के बाद जो है बीमारी फैलने का डर रहता है, तो हम उसकी साफ सफाई करा के और बिल्कुल उसको मुस्तैद रहेंगे, किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होगी। मैं संजय हूँ नगर निगम जो आज कल जुड़ चाहिए।